हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है, क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पर, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पर, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पर होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी पर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। एक प्रश्न और आता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए, दो नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है ये किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पे है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए, तीन नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है? इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है तंबाकू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। तो यहाँ पे देखिए, जो तंबाकू है ये एक व्यावसायिक फसल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गेहूं होता है वो कौन सा फसल होता है, रबी फसल होता है, और जो चावल होता है वो खरीफ फसल होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए, चार नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए, पांच नंबर प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है गंगा के उत्तरी मैदान में, बी ऑप्शन है गंगा के दक्षिणी मैदान में, सी ऑप्शन है हिमालय के तराई में, डी ऑप्शन है गंगा के दियरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो गंगा का जो दियरा वाला भाग है वो क्या है, यहाँ पे तंबाकू का उत्पादन क्षेत्र है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए, छह नंबर प्रश्न है, चीनी उत्पादन का कच्चा माल क्या है? ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है रेशम। तो यहाँ पे आपको बताना है चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, गन्ना होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है, चित्र में मैदानी क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? ए ऑप्शन है लाल रंग से, बी ऑप्शन है पीला रंग से, सी ऑप्शन है हरा रंग से, डी ऑप्शन है भूरा रंग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र में मैदानी जो क्षेत्र होता है उसको किस रंग से दिखाया जाता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, आप देखिए 8 नंबर प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? ए ऑप्शन है धर्म से रहित, बी ऑप्शन है धार्मिक श्रेष्ठा, सी ऑप्शन है सर्वधर्म संभाव, डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों का धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सर्वधर्म संभाव, यानी सभी देश को यहाँ पे भारत में समान तवज्जो दिया जाता है, यानी समान रूप से यहाँ पे देखा जाता है। ये भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों का ये सम्मान करता है, सभी धर्मों को यहाँ पे बराबर का इजाजत देता है। तो यहाँ पे भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 80%, डी ऑप्शन है 10%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 40% है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 10 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सा नहीं है? जो पंचायती राज्य व्यवस्था वो कितने स्तरीय होता है? तो ये त्रिस्तरीय होता है, यानी 3 स्तरीय होता है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इन त्रिस्तरीय यहाँ पे स्वरूप में कौन इसमें से नहीं होता है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन है पंचायत समिति, सी ऑप्शन है जिला परिषद, डी ऑप्शन है नगर निगम। तो पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं होता है? तो ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, लेकिन नगर निगम नहीं होता है इसमें, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्कीप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? ए ऑप्शन है हिमालय में, बी ऑप्शन है दक्षिण बिहार क्षेत्र में, सी ऑप्शन है दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, डी ऑप्शन है गंगा के द्रोणी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पे है, तो गंगा के द्रोणी में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? यहाँ पे था है, यहाँ पे देखिए किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब इससे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और प्लस राज्य का भी दर्जा इससे छीन लिया गया है, और जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 भागों में बांट दिया गया है और दोनों को यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसके कारण से अब 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। पहले कितने थे, जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब क्या हो गया है यहाँ पे कि 28 राज्य हो गया है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीति जागृति। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 14 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी। ए ऑप्शन है 121 रुपया, बी ऑप्शन है 21 रुपया, सी ऑप्शन है 120 रुपया, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20 रुपया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी, तो 20 रुपया थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की यहाँ पे सर्वप्रथम जो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, ये भी प्रश्न आता है कि भारत का सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि रूस की मुद्रा है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि रूस की मुद्रा है। ए ऑप्शन है रूबल, बी ऑप्शन है डॉलर, सी ऑप्शन है रुपया, डी ऑप्शन है टाका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमेरिका का यहाँ पे रुपया होता है, यानी जो मुद्रा होता है वो क्या होता है, डॉलर होता है। भारत का मुद्रा क्या होता है, रुपया होता है। और बांग्लादेश का क्या होता है, टाका होता है। तो इसे भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ए ऑप्शन है पूर्ण बेरोजगारी, बी ऑप्शन है छिपी हुई बेरोजगारी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है उग्र बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी बेरोजगारी, तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है जिला स्तर का, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, सी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, डी ऑप्शन है विश्व स्तर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है जनेवा में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है वाशिंगटन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितना है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितना है। ए ऑप्शन है 582, बी ऑप्शन है 482, सी ऑप्शन है 682, डी ऑप्शन है 382। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितना है, तो 682 है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों का की घोषणा हुई। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है भूटान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, तो ये अमेरिका में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। ए ऑप्शन है जापान को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है अमेरिका को, डी ऑप्शन है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, तो जापान को कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सुनामी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है, तो इसे भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी,
बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है विलियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है स्टालिन ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है हिटलर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का गठन किसने, यहाँ पे लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 193, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 210। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है गोदावरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन के यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद नहीं होगा उसे आप लोग नोटबुक पर जरूर लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आप लेट जुड़े हैं, अगर आपका शुरू का प्रश्न छूट गया है, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद फिर से आप लोग शुरू करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल जो होता है वो किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्लास टाइमिंग, टेस्ट कब होता है, तो सुबह 5 बजे सब्जेक्टिव प्रश्न कब होता है, तो 1 बजे दिन में मॉडल पेपर कब होता है, तो 6 बजे शाम में क्रैश कोर्स कब होता है, तो रात 8 बजे होता है। तो ये 4 क्लास होते हैं, तो 4 क्लास का यहां पे आप लोग टाइमिंग याद रखिए और उतना बजे आप लोग क्या हो जाइए, लाइव आने का कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी बनाइए। तो आइए यहाँ पे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।